आईपीएल 2024 एमएस धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली है टीम की कमान। देखिए क्या है पूरा मामला। आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई सुपर किंग ने आगामी आईपीएल सीजन से पहले ही टीम में बड़ा बदलाव किया है। एमएस धोनी की जगह सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बन गए हैं, आईपीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने पुष्टि की है। इससे पहले एमएस धोनी ने आईपीएल 2022 से पहले सीएसके की कप्तानी छोड़ी थी और रविंद्र जडेजा को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में फिर से टीम की कमान संभाली और कप्तानी करते हुए नजर आई। ऐसे में एमएस धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार खिताब जीते हैं। पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग ने एमएस धोनी की कप्तानी में ही गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। हालांकि धोनी ने अपने संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वह अगले सीजन यानी आईपीएल 2024 में भी खेलेंगे, लेकिन फैंस को उन्होंने सीजन के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही एक बड़ा झटका दे डाला है। वह सीएसके की कैप्टनसी से हट गए हैं। आपको बता दें कि सीएसके ने कप्तानी को लेकर जारी बयान में कहा, एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। ऋतुराज 2019 से चेन्नई सुपर किंग का अभिन्न अंग है और उन्होंने इस दौरान आईपीएल में 52 मैच भी खेले हैं। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम के अहम सदस्य रहे हैं। इस दौरान उनका अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। आईपीएल 2023 में गायकवाड़ का योगदान महत्वपूर्ण था, उन्होंने 16 मैचों में 590 रन बनाए हैं। तो वहीं बात करें एमएस धोनी की, तो एमएस धोनी ने 250 आईपीएल मैचों में जिसमें 38.80 की औसत से 5082 रन है और इसमें 24 अर्धशतक भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों आईपीएल के मैच से कुछ घंटे पहले ही एमएस धोनी सीएसके की कप्तानी से हट गए हैं और सीएसके को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक नया कप्तान मिल गया है।